व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस, अगर आप क्रोनो कैरेक्टर को यूज़ करते हैं तो गाइस इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और अगर गाइस आप क्रोनो कैरेक्टर को यूज़ नहीं करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्रोनो कैरेक्टर को यूज़ करने लगेगा, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में आपको क्रोनो से रिलेटेड बहुत ही खतरनाक ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर गाइस आप क्रोनो कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो गाइस इसके सामने जितने भी कैरेक्टर्स हैं गाइस वो सब बेकार हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको यही बताना है कि आपको क्रोनो कैरेक्टर को कैसे और कब यूज़ करना है। तो चलिए गाइस बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस जो सबसे पहला टिप है वो है गाइस, जब भी आप अपने टीममेट को रिवाइव दे तो गाइस आपको क्रोनो कैरेक्टर का यूज करना है, क्योंकि गाइस जब भी आप क्रोनो कैरेक्टर को यूज करेगा तो आपको एक नहीं गाइस चारों तरफ से कवर मिलता है। और गाइस क्लैश स्क्वाड में आइए, आपको लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि गाइस आपको क्लैश स्क्वाड में बहुत ही कम ग्लोबल होते हैं, और गाइस वैसे में आप अपने टीममेट्स को रिवाइव देने में ग्लोबल यूज कर लीजिएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे गाइस अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये फर्स्ट राउंड था और मैंने ग्लोबल नहीं करता था, इसलिए गाइस मुझे अपने टीममेट को रिवाइव देना था तो मैंने बहुत ही इजीली क्रोनो कैरेक्टर का यूज किया और जाके अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया। तो गाइस आप भी क्रोनो कैरेक्टर का यूज करके अपने टीममेट को बहुत इजीली रिवाइव दे सकते हैं। तो गाइस आप क्रोनो कैरेक्टर को ग्रेनेड को ब्लॉक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और गाइस आप तो जानते होंगे कि क्लैश स्क्वाड में जो ग्रेनेड है गाइस वो कितना खतरनाक होता है, और गाइस कुक किया हुआ ग्रेनेड से तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। मतलब गाइस बेसिकली कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है क्रोनो को छोड़ के गाइस जो आपको ग्रेनेड से बचा सकता है, इसलिए गाइस क्रोनो का यूज करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्लैश स्क्वाड में। तो गाइस जब भी आपके ऊपर कोई नेट फेंके तो आप जो क्रोनो का शील्ड है उसको गाइस ओपन कर सकते हैं और तुरंत गाइस आप किसी भी नेट से बच सकते हैं। तो जब भी गाइस कोई आप पे नेट करें तो गाइस आप क्रोनो का शील्ड को यूज कर सकते हैं, और गाइस बस आप ही नहीं और क्रोनो के शील्ड की मदद से आप अपने पूरे टीममेट को भी बचा सकते हैं, इसलिए गाइस क्रोनो इतना ज़्यादा पावरफुल और यूजफुल है। तो गाइस मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था कि क्रोनो कैरेक्टर के मदद से आप जो एनिमी का फेंका हुआ नेड है उसको बहुत इजीली ब्लॉक कर सकते हैं। और गाइस लेकिन आप क्रोनो कैरेक्टर के मदद से आप खुद भी गाइस एनिमी के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से नेड कर सकते हैं। जैसे गाइस अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं नेड कर रहा हूँ और गाइस मुझे पीछे से डैमेज मिला था तो उस एनिमी से मैं कितना आसानी से बच गया। तो गाइस ऐसे स्थिति में आप क्रोनो का जो शील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और गाइस जब आप शॉर्ट रेंज में नेड कर रहे हो तब गाइस आपके लिए ये जो क्रोनो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। गाइस आप जो ग्रेनेड है उसको कुक करके आप डायरेक्ट गैस पूरे अपने एनिमी के पास चले जाएं और गैस तुरंत थ्रो करके अपना शील्ड ओपन कर दें तो वैसे स्थिति में गैस आपको तो डैमेज नहीं होगा लेकिन जो आपका एनिमी है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो गैस क्रोनो कैरेक्टर की मदद से आपके लिए नेड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, और गैस आप अगर इसको अच्छे से यूज करते हैं तो बहुत ही आसानी से गैस एक पूरे स्क्वाड को भी आराम से गैस आप नॉक कर सकते हैं अगर आप क्रोनो के शील्ड को अच्छे से यूज करते हैं। तो गैस बेसिकली मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको गैस ग्रेनेड को कुक करना है और गैस जो आपके एनिमी है उसके पास एकदम क्लोज में जाना है, गैस जैसे ही ग्रेनेड थ्रो करें बहुत और गैस शील्ड को ऑन कर देना है, और इस स्थिति में गैस आपको डैमेज नहीं होगा, जो आपका ओपोनेंट होगा वो डैमेज हो जाएगा। तो गैस इसका मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने एनिमी को मार सकते हैं। तो गैस क्रोनो का शील्ड की मदद से आप पूरे स्क्वाड को बहुत ही आसानी से चकमा दे सकते हैं। गैस जब भी आप क्रोनो का शील्ड ओपन करते हैं तो गैस आपका जो एनिमी है वो सोचता है कि अब आप मेडिकेट करिएगा या फिर गैस कवर में जाइएगा, लेकिन गैस आपको आप ऐसा नहीं करना है, आपको गैस क्रोनो का शील्ड ओपन करना है और गैस जो आपका एनिमी है वो रिलैक्स हो जाता है, तो आपको गैस बस उसके ऊपर डायरेक्टली उस पर एक अच्छी तरीके से एम करना है और गैस शील्ड से थोड़ा सा बाहर निकल के उसको मार देना है। तो गैस इस तरीके की मदद से आप अपने एनिमी को बहुत ही आसानी से मार पाएंगे और गैस ऐसा करके आप पूरे स्क्वाड को भी बहुत ही ईजिली मार सकते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गैस, जैसे कि मैं थोड़ा सा बाहर निकला शील्ड से और गैस दोबारा मैं एनिमी को मारने के बाद उस शील्ड के अंदर आ जाता हूँ, और गैस फिर मैं दोबारा निकलता हूँ और गैस फिर दोबारा मार के मैं अंदर आ जाता हूँ। हालांकि गैस मेरा भी सील का टाइमिंग खत्म हो गया था, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करते हैं तो इससे गैस आप पूरे स्क्वाड को बहुत ही इजीली मार सकते हैं, और गैस ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप क्रोनो कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। तो गैस इस ट्रिक पे आपको कमांड होना चाहिए, गैस इसको अच्छे से आप सीख लें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और गैस मैं आपको जितने भी ट्रिक्स बता रहा हूँ उसको आप क्लैश स्क्वाड के साथ साथ रैंकेड में भी यूज कर सकते हैं। तो गैस फ्री फायर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो स्कैलर है गैस उसका मात्र एक ही कॉम्पिटिटर है, वो है गैस क्रोनो, क्योंकि गैस क्रोनो के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो गैस स्कैलर की एबिलिटी को मात दे सकती है। गैस जब भी आप ग्लोबल लगाते हैं तो जो आपका ओपोनेंट है गैस वो इस अपने ग्लोबल को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है स्कैलर की मदद से, लेकिन गैस जो स्कैलर है वो क्रोनो के शील्ड को नहीं तोड़ पाता है। तो गैस आपको इसी का फ़ायदा ही उठाना है, गैस आपको जब भी ओपोनेंट के पास गैस स्कैलर तो आपको अपने क्रोनो को शील्ड को ओपन कर देना है, गैस अपने ग्लोबल को यूज़ नहीं करना है क्योंकि गैस वो ऐसे भी बेकार हो जाता है। तो गैस इसके मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने एनिमी को भी मार पाएंगे और गैस उसके स्कैलर की एबिलिटी को भी बेकार कर देंगे। और गैस अगर आपके पास क्रोनो के साथ एक अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होता है तो फिर गैस आप गॉड लेवल का गेम प्ले दे सकते हो। गैस आपका जो गेम प्ले वो प्रो प्लेयर से भी अच्छा हो जाएगा, मतलब गैस
बहुत ही नेक्स्ट लेवल आपका गेम प्ले हो जाएगा। लेकिन गाइस इस वीडियो में आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको जितने भी ट्रिक्स बताएं गाइस उनको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो गाइस आपका गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा हद तक अच्छा हो जाने वाला है। तो गाइस हमें आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें और गाइस ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें। और गाइस कमेंट बताइए कि आपको आगे चल के किस कैरेक्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए।